Hello guys, welcome back to my channel. My name is Abhinandan and you are watching the moving time. Guys, इस quick video में आपको बताऊंगा कि कैसे आप watch की overall look को change कर सकते हैं by changing the straps. तो आप strap की help से उसको casual से semi-formal या फिर semi-formal से casual में convert कर सकते हैं. Guys, अगर आपका watches में, watch collection में या फिर watch reviews में interest है, तो please channel को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए ताकि future videos को कोई भी notification आप miss नहीं करेंगे. So without any further delay, let's roll the intro. दोस्तों, कई बार हमें एक वॉच का डायल पसंद होता है, उसका डिजाइन पसंद होता है, लेकिन स्ट्रैप या फिर उसका जो ब्रेसलेट है वो पसंद नहीं होता, तो हम इस वॉच को इग्नोर कर देते हैं. तो वॉच कलेक्शन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. आप वॉच को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फेवरेट लुक में. इस वीडियो में मैं टाइमेक्स वीकेंडर यूज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उसके स्ट्रैप्स को चेंज कर सकते हैं अलग अलग ड्रेसेस को मैच करने के लिए, अलग अलग ड्रेसेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, अलग अलग ओकेशन पे पहनने के लिए आप वॉच को कैसे ड्रेसअप या फिर ड्रेस डाउन कर सकते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव टू फ्लिप द कैमरा. ये है टाइमेक्स वीकेंडर वॉच. इस वॉच की खास बात ये है कि आप इसको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग, ओकेशन के अकॉर्डिंग कैसे भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं. इस वॉच की सबसे बड़ी खास बात यही लगी मुझे और इसलिए मैंने इस वॉच को परचेस किया. अभी मैं आपको इस वॉच की जो ओवरऑल लुक है वो चेंज करके दिखाऊंगा कि सिर्फ एक स्ट्रैप चेंज करने से ओवरऑल जो लुक है वॉच की वो कैसे चेंज की जा सकती है. तो सिंपली यहाँ पर हमें जो यहाँ नेटो स्ट्रैप है इसको पुल आउट करना है. नेटो स्ट्रैप की खास बात यही होती है कि आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं कंपेयर करें अगर मेटल ब्रेसलेट से और लेदर स्ट्रैप से. तो यहाँ पर मेरे पास एक डार्क ब्लू कलर का नेटो स्ट्रैप है, मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओवरऑल लुक है वॉच की वो काफ़ी चेंज हो गई है, काफ़ी क्लासिक लग रही है वॉच. हालांकि पहले भी क्लासिक लग रही थी लेकिन वो स्ट्रैप काफ़ी मैच नहीं करता मोस्ट ऑफ ड्रेसिंग साथ. यहाँ पर ये ट्राई कलर में स्ट्रैप था और यहाँ पर एक सिंगल प्लेन कलर में यहाँ पर स्ट्रैप है. तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चेंज कर सकते हैं वॉच की ओवरऑल लुक को. मेरे पास और भी बहुत सारे कलर्स के स्ट्रैप्स हैं जो इस वॉच के साथ मैं यूज़ करता हूँ. यहाँ पर ये ग्रीन कलर का स्ट्रैप है और यहाँ पर एक ट्राई कलर का फिर से स्ट्रैप है. अब मैं इस वॉच को आपको सेमी फॉर्मल या फिर सेमी कैजुअल जिसे आप कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे एक कैजुअल लुकिंग वॉच को आप सेमी फॉर्मल वॉच में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक स्ट्रैप चेंज करने से. तो यहाँ पर मैं इस वॉच को फिर से नेटो स्ट्रैप को यहाँ पर पुल आउट करता हूँ. सो नाउ यू कैन सी कि इस वॉच की लुक ओवरऑल चेंज हो गई है सेमी फॉर्मल या फिर आप सेमी कैजुअल इस वॉच को कह सकते हैं. ये वॉच स्ट्रैप मैंने लेदर स्ट्रैप टाइटन की वेबसाइट से परचेज किया था. मुझे इसकी कॉस्ट 600 इंडियन रुपीज़ पर तब पड़ी थी और इसको मैंने लास्ट मंथ से परचेज किया है. स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक स्ट्रैप है ये, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था, लेकिन फिर भी टाइम के साथ साथ, यूज़ के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा. और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी लेदर स्ट्रैप की वो थी ये साइड स्टिचिंग जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पर, इसलिए मुझे इसको ऑनलाइन परचेज करना पड़ा. तो आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वॉच का वो सेम है, वॉच का केस सेम है, लेकिन सिर्फ स्ट्रैप चेंज करने से जो उसकी लुक है, जो उसका यूज़ है वो हम चेंज कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ इनको वॉचेस में, वॉच कलेक्शन में या फिर वॉच रिव्यूज में इंटरेस्ट है. दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. मैं चैनल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स इंस्टाग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ.
So stay tuned to this channel. I will see you next time. Till then, keep loving your watch.